हटिया पटना सुपर एक्सप्रेस की स्टॉपेज सिल्ली में बंद होने से यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चलें कि यह ट्रेन पहले सिल्ली में रुकती थी, लेकिन कोविड काल में जब से स्पेशल ट्रेनें हुई हैं नाम, तब से यहाँ रुकना बंद हो गया है, जिस कारण यहाँ से व्यापारियों, स्टूडेंट और ख़ासकर सब्जी लाने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सुबह 7 बजे यहाँ से ट्रेन आती थी तो लोग यहाँ ऑफिस पकड़ पाते थे, लेकिन अब इन्हें मुरी जाना पड़ता है और मुरी से ट्रेन पकड़ कर आना पड़ता है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर राहगीरों का कहना है कि अगर सरकार यहाँ पर स्टॉपेज दे देती है तो हमें काफ़ी सुविधा होगी। पेश है हमारे संवाददाता अशोक कुमार महतो की खास रिपोर्ट। है 2 साल करीब हो गए। क्या समस्या हो रही है? समस्या का तो कोई अंत ही नहीं। इतने सारे लेबर्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं और आम नागरिक है। हम लोग का तो मेन टाउन रांची है, रांची का सुबह सुबह साधन ही बंद हो जाए तो पब्लिक क्या करेगा? बस में भाड़ा इतना ज़्यादा है कि आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बहुत ज़रूरी है कि पटना ट्रेन को दोबारा से यहाँ स्टार्ट किया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश अग्रवाल। पटना ट्रेन कहाँ बंद हो गया है रुकना, क्या दिक्कत होता है इसमें? वही दिक्कत होता है कि अभी वो चलता था हम लोग का भीड़ भड़ाका नहीं होता और अथी चलने से अच्छा सबका साधन होता, पढ़ाई लिखाई जो बच्चा लोग कर रहे हैं उन लोग के लिए अच्छा होगा। और सबका पेट मरा गया, सब भाड़ा देने सके नहीं देने सके, जो लोग काम करने जाते हैं वो लोग भी समय पर नहीं पहुंच रहे हैं क्या? समय पर नहीं पहुंच रहे हैं और इसलिए लोग का भी दिक्कत हो रहा है कि सब्जी उब्जी ले जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है, भीड़ भड़ाका ज़्यादा ही हो जाता है। और ट्रेन चलने से तो अच्छा रहता है, मतलब समय पर आप लोग बाजार पकड़ लेते हैं। ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ बंद कर दिया गया है, क्या समस्या होता है? समस्या ही है कि यहाँ का जाने आने वाले व्यक्ति का बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा। वो समय से नहीं पहुँच रहा है, जैसे बहुत आदमी है जो पढ़ने लिखने भी जाते हैं लड़का लोग, उन लोग को भी दिक्कत होती है। रेजा कुली काम करने जाते हैं उन लोग को भी दिक्कत होती है। जो ऑफिस का काम करने के लिए जाते हैं, रेगुलर आना जाना करते हैं, उन लोग के लिए भी तकलीफ होती है। और बहुत सारे समस्या है नहीं रुकने से। तो आप क्या चाहें, मैंने क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहेंगे कि किस तरह इसका स्टॉपेज यहाँ 1 मिनट का दिया जाए। परेशानी हो रही है, लोग जो लोग का प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ लोग मजदूरी करने जाते हैं, उनको समय पर पहुंचने के लिए सिल्ली से कोई भी ट्रेन उस टाइम पे नहीं है। जो पटना ट्रेन सही टाइम पे जाती थी तो लोग मजदूरी करने के लिए या कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो समय पर पहुंच जाते थे अपना ऑफिस में और जॉब करके दिन भर अपना काम करके समय पर वापस लौटते थे। लोग के एक जो कुछ लोग MST वाले थे जो हर मतलब महीने सीजनल टिकट वाले थे, उन लोगों ने हम लोगों ने बात किया था रेलवे विभाग से मुरी में, फिर भी ऐसा मतलब नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी बहुत परेशानी हो रही है। वो लोग भी इस पर ध्यान दें कि यहाँ की जनता को क्या परेशानी हो रही है और हमारी जनता कहाँ काम करने जाती है और इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं रहने की वजह से उनको क्या परेशानियाँ हो रही है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। इस बवाद जब सांसद संजय सेठ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आज मैं रेल मंत्री से मिलकर इस बात को रखूंगा। कारण से लोगों को काफी परेशान हो रही है ऐसा ना, एक आज हम रेल मंत्री से मिल रहे हैं। जी जी, एक आवेदन बना के हमको व्हाट्सएप कीजिए ना सर, ये ग्रामीण पिटीशन ये बना के क्या? नहीं, आप अपना। अच्छा सर, आप तो इसके पूर्व में भी बोले थे सर कि हम बात करेंगे और ये करवाएंगे बोल के। जी जी, फिर भी एक बार आज मिल सकते हैं ना, आप दीजिए ना।